हाजीनगर के विधायक रविंद्र कुशवाहा जी का एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें उनके सैलरी के लिए तो बात कही जा रही है, क्या कुछ कहते हैं? हमने भी दैनिक जागरण में पढ़ा था, निकला था पेपर में, उन्होंने अपना विधायक पद का जो है वेतन है उन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन पेपर में लिखने का जो सेंस था उस सेंस के हिसाब से ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कोई बड़ा काम किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो संवैधानिक पदों पर अगर कोई व्यक्ति है तो ऐसा नियमावली है कि वेतन वो सिर्फ एक ही पद का ले सकता है। तो ऐसे स्थिति में एक पद का वेतन तो छोड़ना उनकी मजबूरी है, उसको जो है स्वेच्छा से नहीं बल्कि वो मजबूरी में छोड़ना ही पड़ेगा। तो ऐसे हालात में उन्होंने जो है वेतन छोड़ा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि विधायकी का जो वेतन है विधायक पद का वो 25,000 रुपया प्रतिमाह है, और उसके साथ साथ जो भत्ते आते हैं वो कई तरह के भत्तों को मिलाकर वो लगभग 1,95,000 रुपये महीने में मिलता है। तो जिसमें जो है निर्वाचन का भत्ता है जैसे कि 50,000 रुपये प्रतिमाह के आसपास, और जो है चिकित्सा भत्ता है 30,000 रुपया है, सचिव के लिए 20,000 रुपया है, डीजल के लिए 25,000 रुपया है, जनसेवा के लिए 45,000 रुपया महीना है। तो ऐसे करके क्रम में अगर देखेंगे तो 1,95,000 होता है, जिसमें से वेतन मात्र 25,000 रुपया छोड़ दिया गया है। और चूँकि सहायक अध्यापक भी हैं तो हमको लग रहा है कि नियर अबाउट 75,000 के आसपास जो है उनका मंथली वेतन भी होगा। तो 25,000 छोड़कर 75,000 का उन्होंने वेतन अडॉप्ट किया, तो ये तो अच्छा फैसला है उनके लिए कि भाई उन्होंने जो है वेतन, मूल वेतन उनका 25,000 होता है विधायक का। तो अभी जो मतलब वो छोड़े हैं ये 25,000 पे छोड़ने के बाद जी, और जो उनके जो टीचर के जो सैलरी जी वो कितना होगा लगभग? हमारे हिसाब से 75,000 के आसपास इर्द गिर्द होगा। तो उन्होंने एक बड़ा अमाउंट को अडॉप्ट किया और छोटे अमाउंट को छोड़ दिया, तो इसमें कहीं कोई वो बात नहीं है, अपने स्वयं की पीठ थपथपाने जैसी बात है और एक स्टंट है ये, और दूसरे को लोगों को इसमें सराहनीय क्या है। जब उसमें नियम है कि आप दो पद में से किसी एक पद का ही वेतन ले सकते हैं, आपकी मजबूरी है, आपको छोड़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई सराहनीय वाली काम तो है नहीं, हमारे दृष्टि की तो नहीं है। और पेपर को भी ये मेंशन करना चाहिए कि यह जो है दो पदों पर व्यक्ति अगर है तो उसमें एक ही पद का वेतन ले सकता है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने एक को चुना है, तो इसमें कहीं कोई नई बात और बड़ी बात तो नहीं है। तमाम चुनाव के समय देखा गया कि तमाम वेतन लेकिन इस समय आप लगातार बने हुए हैं जी, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अगर आपने समाज की सेवा के लिए व्रत लिया हुआ है तो आपके लिए चुनाव मायने नहीं रखता है। आप 24 आवर्स जनता के बीच में रहेंगे और जनता के लिए आवाज़ उठाएंगे। उसी क्रम में हम लोग पहले भी जनता के बीच रहकर उनके दुख दर्द को आवाज़ बनने का काम किया, लोगों के आंसुओं को पोंछने का काम किया, लोगों के हितों के लिए आवाज़ उठाने का काम किया। चुनाव आया, चुनाव का दौर फिर बीत गया, चुनाव के बाद पुनः जो है समाज में लोगों के बीच में आदमी सक्रिय है, लोगों के मुद्दे को उठा रहा है। जो इस समय देखा जा रहा है कि एक रामपुर नारायणपुर कोठी भी एक घटना हुआ है, जयराम वर्मा के नाम से जो जनक व्यापारी थे उनका घटना हुआ है, जी वहाँ पे कुल 34 दिन धरना चला, बेमियादी धरना था, और मांग थी शासन प्रशासन से कि जो उसमें दोषी हैं, जो हत्यारे हैं, उनकी त्वरित जो है खुलासा हो, गिरफ्तारी हो। इस मांग को लेकर 34 दिन तक लगातार धरने पर बैठा गया, और पुलिस कप्तान महोदय 34 दिन बाद वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने जो है आश्वासन दिया, आश्वस्त किया उन पीड़ित परिजनों को और धरनारत हम सभी को, वहाँ की क्षेत्रीय जनता को भी, कि हम मामले के तह तक पहुँच चुके हैं और हमको 10 दिन का समय दिया जाए, हम इसको निश्चित रूप से इसको खोलेंगे। तो उनके इस आश्वासन पर धरना स्थगित किया गया। अभी 3 दिन हो रहे हैं, निश्चित तौर से मुझे आशा और विश्वास है कि कप्तान महोदय ने जो कहा है वो बिल्कुल समय से करेंगे। अभी अपने क्षेत्र के लिए मनोज सिंह जी क्या कहना चाहेंगे? जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से ही अपील है कि न्याय और सच्चाई के लिए, अपने हक और हकूक के लिए जनता को आगे आना चाहिए। शिक्षा, बिजली, बुनियादी सुविधाओं, बेरोजगारी, इन सब चीज़ों पर लोगों को सजग होना होगा, आवाज़ मुखर करना होगा, और जो गुमराह करने वाले तत्व हैं, जो गुमराह करने वाले न्यूज़ हैं, गुमराह करने वाले लोग हैं, उनका डट के मुकाबला करना होगा। सही जी, कोई दुर्घटना होती है, चाहे कोई किसी के ऊपर आप सबसे पहले जी, देखिए मुझे इसमें बड़ा आत्मसंतोष मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति पीड़ा में है और वहाँ पहुँच कर हम उसकी मदद कर सकें, तो एक अपने संतोष के लिए ऐसा किया जाता है, और
अगर कोई पीड़ा में है और वहाँ हम लेट पहुँचे या न पहुँच पाएँ तो इस बात का मुझे दुख और गलानी होती है कि मैं किसी की पीड़ा में न पहुँच सका। इसलिए पूरी कोशिश की जाती है कि अगर कहीं कोई तकलीफ में हो तो वहाँ पहुँचकर उसका जो है हाथ को मजबूत किया जाए, उसको ढांढस बढ़ा सकें, उसके लिए हम दो कदम चल सकें। बीजेपी सरकार से अभी जो है अपने तुरपट्टी और फाइनर का रोड का एक उदाहरण दूँ तो उस रोड के लिए मैं लगातार धरने पर रहा। आप लोगों को जानकारी भी होगा और मीडिया के लोग उस पर आके रिपोर्ट भी करते थे, तो मैं लगातार धरने पर रहा और उस धरने के माध्यम से उस रोड का निर्माण हुआ। तुरपट्टी से फाजीनगर 9 किलोमीटर का आरसीसी सड़क बनी, लेकिन वो हमको लग रहा है कि 2 बरसात भी झेल नहीं पाई और वो टूटने लगा आरसीसी सड़क। अभी शिकायत हुआ तो फिर उसकी रिपेयरिंग चल रही है। तो इस तरीके से अगर शासन प्रशासन और भाजपा सरकार में अगर एक नंबर काम हुआ होता, उसमें कहीं कमीशनखोरी का वो नहीं होता, तो निश्चित सड़क बेहतर बनी होती और टूटती नहीं। तो जी देखिए, ये सरकार और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही और निष्क्रियता का देन है कि वहाँ दुधही की जनता और दुकानदार उस समस्या को झेल रहे हैं। लगातार वहाँ पे उसके लिए आवाज़ उठाई गई, शासन प्रशासन से इस बात के लिए अवगत कराया गया कि दुधही एक बहुत पुरानी और मुख्य बाज़ार है जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग आते और जाते हैं, लेकिन ख़राब रास्ते की वजह से लोग वहाँ गिरते हैं, चोटिल होते हैं और धूल धक्कड़ से पूरी दुकानें भरी रहती हैं। उसके लिए आवाज़ उठाई गई, लेकिन कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि और सरकार जनता की समस्याओं से बेखबर है, उसको कोई से लेना देना नहीं है।